उत्तर प्रदेश के हापुड़ की सर्विलांस सेल और दो अलग अलग थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले और लगवाने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3,90,000 रुपए नगद, दो लैपटॉप, 14 मोबाइल समेत सट्टे का हिसाब किताब रखने वाले बही खाते, नोटबुक के साथ साथ दो कार भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी अपना सट्टे का धंधा इन्हीं गाड़ियों में घूमते हुए करते थे। सर्विलांस टीम की मदद से थाना हापुड़ देहात पुलिस और संभावली पुलिस ने चार लोगों को सट्टा लगाने और लगवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी ग्राम सेना से की गई है। गिरफ्तार चारों आरोपी अपनी गाड़ी में ही बैठकर और गाड़ी को अलग अलग जगह खड़ा कर उसी से अपना सट्टे का कारोबार चला रहे थे। आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे जीते हारे हुए लोगों से रुपयों का लेन देन अपने बैंक अकाउंट पेटीएम, फोन पे और नगद में करते थे। वे लोग मैच के दौरान सट्टे का कारोबार अपनी गाड़ियों में बैठकर अलग अलग जगहों पर घूमकर करते थे ताकि पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस न कर सके। मैच के बाद वे सब सट्टे में इस्तेमाल मोबाइलों को स्विच ऑफ कर देते थे। ये हापुड़ देहात और सिंभावली थाना क्षेत्र से चार सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो चार अभियुक्त हैं इनसे टोटल जो कैश की बरामदगी हुई है वो 3,90,000 रुपये हुई है। उसके अलावा उनके पास से दो गाड़ियां और 15 मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं और इनसे दो लैपटॉप और एक जो रजिस्टर है जिसमें ये हिसाब किताब जो सट्टे का मेंटेन करते थे वो भी इनसे बरामद हुआ है। इसमें जो सिंभावली थाना क्षेत्र में जो अभियुक्त पकड़े हैं उसमें एक का नाम नाजिम है और दूसरा तनवीर है और जो हापुड़ देहात की टीम ने चार दो लोगों को जो गिरफ्तार किया है उसमें एक आकाश है और दूसरे रविंदर हैं। इनके द्वारा जो आईपीएल में जो सट्टा खिलवाते हैं वो अभी इनके द्वारा खिलवाया जा रहा था। कुछ ये ऐप के माध्यम से खिलवा रहे थे। एक gmexchange.com करके एक साइट बनाई हुई थी जिनके आईडी पासवर्ड भी इनसे मिले हैं और उसके अलावा जो इनके पास लैपटॉप मिला है उसमें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी ये अपने बुकीज़ के साथ कांटेक्ट में थे। दिल्ली के कुछ बुकीज़ हैं जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं इसमें और यहाँ के जो खेलने वाले थे जिनको ये पंटर बोलते हैं उसकी भी कुछ सूची हमें मिली है जिनको ये सट्टा खिलवा रहे थे। जो सट्टे का कैश का लेन देन होता था ये दो माध्यम से करते थे, एक तो बैंक अकाउंट के माध्यम से करते थे जिसकी डिटेल्स हमें मिली है। पुलिस को इन लोगों के पास से सट्टा लगवाने वाले लोगों के नाम और नंबर भी मिले हैं और इनका कनेक्शन दिल्ली में बैठे कुछ सट्टा माफियाओं से भी है जिनकी पुलिस पड़ताल कर रही है और उसमें आगे कार्रवाई करने की बात कर रही है।